बच्चों, तो चलिए आज हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारी एक्सरसाइज चल रही थी एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे। अब बच्चों, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो इसके सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे। हमें इसमें क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन करना है, जो हमें जस्टिफाई करना है कि इनमें से कौन सा सही है, और इसको सॉल्व करना। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे हम इसको वो करेंगे। तो इसमें करना हमको कुछ नहीं है, बस जो दे रखा है उसी को सॉल्व करना। तो बस वही देखना है कि कैसे सॉल्व करना है। तो देखते हैं। तो इसमें 2 tan 30 की डिग्री की इसकी वैल्यू लिखनी है हमें। 2 तो इन्होंने हमें दिया हुआ मल्टीप्लाई में। अब हमें 10 30 की वैल्यू लिखनी है, कितनी होती है वो हमने ट्रिग्नोमेट्री उसमें पढ़ा हुआ है। तो लिख लेते हैं, कुछ ऐसी बड़ी बात तो है नहीं जो हम नहीं कर सकते। तो 1/√3 होती है 10 30 की वैल्यू। अब इसमें क्या दिया हुआ है, 1 + tan²30 की वैल्यू दिया हुआ है। तो अभी हमने देखा 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो 10² कर देंगे इसका, बस 1/√3 का ये कर दिया हमने स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करेगी 1 में, तो 2 ऐसी की ऐसी आ जाएगा। अब √3 की वैल्यू इसके नीचे 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है। √3 की वैल्यू जो हम मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना जाएगा, √3 अपॉन। अब यहाँ पर हमें ना इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 + 1 का स्क्वायर करो 1 ही आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, कितना आएगा बच्चे, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसमें जो जो हमको दिख रहा है वो लिख लेते हैं, 2/√3। तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इसका हम क्या ले सकते हैं, इसका हम एलसीएम ले सकते हैं। तो ले लेते हैं इसका एलसीएम, इसके नीचे 1 हो जाएगा। तो 1 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, सेम 3 आएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 3 प्लस, यहाँ पर 3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब यहाँ पर लिख लेते हैं इसको सॉल्व करके, 2/√3/3 और 1/4/3, ये इसका ये आ गया हमारा आंसर। अब इसको हमें क्या करना है, अब ये हमारा क्या बन चुका है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। एक हमारा जो मैंने आपको बताया था ए बी सी डी, जब हम ऐसे होते हैं तो ए अपॉन बी लिखते हैं, और ये डी इसके बराबर में मल्टीप्लाई में, और ये सी इसके नीचे। ठीक है, अब इसमें देखो ये ए है, ये बी है, तो कैसे लिख लेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई, ये डी है, ये सी है, तो डी ऊपर आ जाएगा 3, और सी कहाँ आ जाएगा, नीचे, यानी कि 4 नीचे। अब इसको इस तरह कर दो कट, जो जो दिख रहा है 2 बार कट। अब बस इसको लिख लेते हैं, तो हमारे पास कितना बचेगा, 3, 2 इसके आगे चला जाएगा जब मल्टीप्लाई होगी, तो 2√3 ये आ जाएगा। अब हमारा क्या होता है, √3 में आंसर डेनोमिनेटर नहीं रख सकते हम, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इसमें हमें √3 में तो हम इसका आंसर कर नहीं सकते, तो हम इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए जो नीचे डेनोमिनेटर होता है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2√3 2√3। अब इसको क्या कर लेते हैं सॉल्व, कैसे करेंगे अब इसको सॉल्व, 3 × 2 = 6, तो 6√3, ये जो बाहर वाले हैं इनमें मल्टीप्लाई, और ये √3 इनके साथ, ऐसे ये बाहर बाहर वाले में मल्टीप्लाई, और ये √3, तो 2 × 2 = 4√3। ठीक है, और ये √3 नहीं बनेगा। अब जब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी ना, तो ये ओनली 3 बनेगा। ठीक है बच्चे, अब ये बन गया 3 आपका, केवल 3। अब 3 × 2 = 6 और 2 × 2 = 4, तो कितना आ जाएगा, √3/2। ये किसकी वैल्यू होती है √3/2, इनमें से साइन 60 की, कॉस 60 की, टेन 30 की, या साइन 36। तो ये किसकी होती है, साइन 60° की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, साइन 60, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका ये वाला, इसमें क्या दिया हुआ है, 1 − tan²45° और 1 + tan²45°, यानी कि ऊपर नीचे हमें इनकी वैल्यूज पुट करनी है और इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो 1 − tan²45, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, और 1 का यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्क्वायर, ऐसी 1 + tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और इसका क्या है, स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे 1/1 + 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा, 1 − 1 = 0, और ये 2, और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0। कैसे करते हैं इसको डिवाइड, 2 को 0 से करेंगे तो भैया 0 ही तो आएगा, यहाँ 0 ही तो आएगा। ठीक है,
तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन? डी। डी हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं हम इसके सी पर। अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है? साइन टू ए इज इक्वल टू टू साइन ए इज ए इट इज ट्रू व्हेन ए। व्हेन ए क्या होगा? अब इसने बोला है कि साइन टू ए जब इक्वल होगा साइन टू साइन ए के, तो उस टाइम पर ये मतलब ए क्या होगा, क्या ये सही है? तो इसमें हम देखते हैं, इसमें इन्होंने हमें ऑप्शन दिए हुए हैं जो मैंने यहाँ पर लिखने मैं भूल चुकी हूँ, तो इसलिए आप हमें यहाँ पर ऑप्शन लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 0 डिग्री दिया है, सेकंड ऑप्शन में इन्होंने 30 डिग्री दिया है, थर्ड ऑप्शन में इन्होंने 45 डिग्री दिया है एंड फोर्थ ऑप्शन में इन्होंने हमें 60 डिग्री दिया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि टू मल्टीप्लाई किसके एंगल के मल्टीप्लाई है ये, ठीक है ना? ये टू इसके मल्टीप्लाई में एंगल है और ये कहाँ है? ये टू इसमें साइन में मल्टीप्लाई है। तो हम एक काम करते हैं, पुट करते हैं। पुट सबसे पहले हम 0 पुट करते हैं, पुट ए इज इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं, तो साइन 2 मल्टीप्लाई 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 साइन 0 डिग्री। यहाँ पर भी ये है, वहाँ पे हमने 0 पुट कर दी। अब यहाँ पर हमारा क्या आएगा आंसर? यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा साइन 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 डिग्री और यहाँ पर 2 साइन, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको साइन 0 तो 0 वैल्यू होती है साइन 0 की, तो और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2 और साइन 0 की वैल्यू, यहाँ पर भी 0 की वैल्यू हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 0। तो आंसर आपका 0 इक्वल्स टू 0, मतलब ये हमारा सही है ये वाला। अब हम इसमें एक काम करते हैं, अब तो हम पुट करते हैं वैल्यू इसमें दूसरी वाली। कौन सी वाली वैल्यू पुट करते हैं इसमें? 30 ए इक्वल्स टू 30 पुट करते हैं। तो इसमें करके देखते हैं, साइन 2 मल्टीप्लाई 30 एंगल को करेंगे ना इक्वल्स टू 2 साइन 30 डिग्री। अब यहाँ पर साइन हो जाएगा 2 सिक्जा, ये हो जाएगा 60, यहाँ पर 2 साइन 30, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? साइन 60 की वैल्यू लिख दो रूट 3/2, यहाँ पर 2 और इसकी वैल्यू लिख दो 1/2, इससे इसको कट कर दो, फिर इसको कर दो इधर 3 और यहाँ 2 और ये इक्वल्स टू 1, तो ये इसकी नॉट इक्वल्स टू आ रहा है, तो यानी कि ये हमारा आंसर सही नहीं है, ये नॉन। तो इसका फर्स्ट आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा नो आ रहा है। अब ये आई थिंक आपको ये दिखाई नहीं दिया होगा, सॉरी, बट इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा, और ये जब हमारा आंसर आएगा तो ये हमारा इक्वल्स नहीं आएगा एक दूसरे के, तो ये नहीं आएगा, इसलिए हमारा ये 0 डिग्री आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमारे। अब इसमें हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन है, इसका लास्ट सेकंड क्वेश्चन का जो लास्ट है वो फोर्थ क्वेश्चन है। अब उसमें हम कैसे करेंगे? अब इसकी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, अब इनकी वैल्यूज जो हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा। तो इनकी बस वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो क्या आएगा? 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3/1 यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1/√3 का स्क्वायर, सेम है ना। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये 2 आ जाएगा इसमें, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 आ जाएगा √3। अब 1 माइनस इसको स्क्वायर को खोल लेते हैं, 1/√3 का स्क्वायर खोलेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं सॉल्व, 2/√3 और यहाँ पर इसका एलसीएम जब लेंगे हम तो 3 आएगा, और जब इसको हम 3 से करेंगे तो यहाँ पर 3 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सॉल्व करके आएगा ना वो टोटल हम पूरा लिख देते हैं, 2/3 आएगा। अब इसको हम कर लेते हैं अच्छे से सॉल्व। तो अभी हमने बताया था आपको a/b, c/d को जब ऐसे लिखे होते हैं तो a/b और d/c लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? ये a, b, c, d, तो 2/√3 मल्टीप्लाई ये d है ना, तो d ऊपर लिख लेंगे 2 ये यहाँ, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या आ रहा है? 2 से 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 3√3 बचेगा ना, ये 3√3 बचेगा ना यहाँ पर। अब इसको हम कर लेते हैं रैशनलाइज, जो डेनोमिनेटर में होता है उसको ऊपर नीचे उसकी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर तो आ जाएगा ये आपका 3√3 और जब √3 की √3 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा? 3 आ जाएगा ना, और ये यहाँ पर 3 से 3 कट, तो क्या आएगा? 3। अभी किसकी वैल्यू होती है इसमें? कॉस 60 की, साइन 60 की, टेन 60 की या साइन 30 की? तो किसकी होती है? ये होती है हमारे टेन 60 की वैल्यू। बस आपको इतना सॉल्व करना है और ये आपका सॉल्व आउट हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो आप हमें बताइएगा आपको ये वीडियोस कैसी लगी है,
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग. कुछ डॉग्स यहाँ पर आपको परेशान कर रहे थे तो इसके लिए सॉरी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन एंड अगेन.